हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट का सीरीज है, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट जो है ये सीरीज रहने वाला है, कंप्लीट क्लास 12th। इसमें आपका जो है कम्प्लीट रिविज़न भी होने वाला है, ठीक है। तो प्रत्येक सेट में आपका जो है फुल केमिस्ट्री का जितना आपका जो 16 चैप्टर आपको पढ़ना होता है, तो फुल केमिस्ट्री का यहाँ पे रिवीजन आपका होने वाला है। और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आने वाले हैं। और इसमें हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। तो ये सभी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है ऑल ओवर इंडिया में जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो NCERT बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो जिसको यहाँ पे देखते हुए सभी के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से आप लोग समझ लीजिए, कंप्लीट क्लास 12th का केमिस्ट्री यहाँ पर हम लोग जो है रिविज़न करने वाले हैं। प्रत्येक सेट में यहाँ पर आपको जो है हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं वो किस तरीके से करने वाले हैं, इस चीज़ को थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट जो है MCQ रह सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर हम लोग जो है यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट टाइप आपका MCQ हो सकता है, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, फिर यहाँ पे आपको जो है FIB यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को हमने शॉर्टकट लिख दिया है, ठीक है। फिर आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपका हो सकता है, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उस टाइप से हो सकते हैं। फिर और भी हम लोग यहाँ पे बात करें तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फिर असर्शन और रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, जो कि CBSE बोर्ड में देखने को ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग जो है और भी टाइप के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से सारा हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो आपने जहाँ से भी पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चैप्टर्स को रेगुलर जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारा चीज़ आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेली बेसिस पे आएगा ये सेशन, जिसमें आपको प्रत्येक दिन जो है नए नए सेट देखने को मिलेंगे और नए नए टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और आपको बीच बीच में प्रैक्टिस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उनकी भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग बने रहिए। और बस आज से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो इसमें हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि हर सेट में आपको जो है कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन होने वाला है। मतलब आपके जो 16 चैप्टर हैं कम्प्लीटली 16 चैप्टर, किसी बोर्ड में थोड़े कम है, जैसे कि CBSE बोर्ड की बात की तो उसमें सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि हर बोर्ड में जो है ये चीज़ बहुत सारे बोर्ड में देखने को मिल जाता है। तो सभी चैप्टर यहाँ पे जो मैंने एक बार फिर से बोल दिया कि जो 16 चैप्टर है ये आपका फुल चैप्टर यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए। और बस चलिए आज से स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पर आप लोगों का बेहतरीन कैसे होगा। और हर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको नए नए सेट में तरह तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपके बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए इसी के साथ, एकदम लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और बस चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपको तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1। और देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। बेसिकली एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेट ये आपका 1 है, सभी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल बोर्ड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं इस सेट में आपको जो है 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कम्प्लीट केमिस्ट्री बेसिकली क्लास 12th का, ठीक, हर चैप्टर से यहाँ पे, और पूरा का पूरा आपका रिवीजन भी साथ के साथ हो जाएगा अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है तो, ठीक है। हमें और भी फॉलो अप कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर रह गया। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेट को सॉल्व करना, जिसमें आपके जो है 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि हर चैप्टर से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हर चैप्टर को डेली जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ओवरव्यू आप देख सकते हो, और आप लोग चाहोगे तो इसका जो है हम लोग रिवीजन भी हर चैप्टर की भी करने की कोशिश करेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो है कुछ टाइम दिया जाएगा, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और कमेंट में आप जो है आंसर को कर दीजिए, और लास्ट में आप बताइएगा कि आप में आपको जो है 16 में से कितने मार्क्स मिले, अपने से खुद को आपको मार्क्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विच हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द फॉलोइंग, इनमें से आपको जो दिखाया गया है, मैं थोड़ा यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा चीज़
पता चले। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है नीचे दिया गया है उसमें किसमें जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं अमोर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लिक्विड्स, नन। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड से तो आपको कोई मतलब देखने को मिल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे सॉलिड आपका दिया गया है, तो इन्हीं दो में से कोई आपका आंसर होने वाला है। तो आप जल्दी से कमेंट में इस चीज़ को बता दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम दिया जा रहा है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से देखिए, एक टेस्ट के रूप में आप इस चीज़ को दीजिएगा तो आप ही का जो है अच्छा प्रॉफिट आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। और ऐसा नहीं कि बस देखते जाना और आंसर करना, कुछ गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गलत होगा तो फिर आप आंसर को देख के समझ ही जाओगे। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे तरीके से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है किस में होता है, अमोर्फस में होता है या क्रिस्टलाइन में होता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट, जो आपका सेकेंड हो जाएगा सॉरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा, बी नंबर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड में आपका जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। ठीक है, तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे तरीके से इसका आंसर सही किया होगा, जिसके भी सही हुए हैं उसको मिलते हैं 1 मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 16 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो प्रत्येक चैप्टर से आपको जो है एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो लिखा गया कि विच हैज़ द यूनिट मोल पर केजी, इनमें से यहाँ पे जो दिया गया है उनमें से मोल पर केजी किसका यूनिट है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, तो आपको इसमें बताना है कि किसका यूनिट जो है मोल पर केजी होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से ईमानदारी से आप लोग आंसर दीजिए और फिर यहाँ पर अपना आंसर को मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोलेलिटी। जैसा कि आपको पता है कि मोलेलिटी का जो हमारा होता है वो मोल पर केजी होता है, ये भी आपको एक क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, और मोलेलिटी का आपका होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जबकि नॉर्मेलिटी का आपका होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इस टाइप से आपका होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया। तो इन्हीं से बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि मोल पर केजी जो होता है मोलेलिटी का होता है, या फिर क्वेश्चन को कभी जो है आपको उल्टे तरीके से दिया जा सकता है कि इनमें से मोलेलिटी का क्या यूनिट होगा, आपको मोल पर केजी ऑप्शन में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो मोल पर केजी किसका हो जाता है, मोलेलिटी, ऑप्शन डी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो जिसका भी सही हुआ वो 1 मार्क्स खुद को दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है और आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस किस चैप्टर से है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है, एक बार आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके आओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियोस हो जाएंगे, जिसमें आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकोगे और आपको आंसर भी साथ के साथ अच्छे तरीके से डील करके। अभी तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चल रहा है इसलिए इसमें ज़्यादा आंसर लिखने का तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन जब आपको और भी तरह के टाइप के क्वेश्चन कराया जाएगा तो अच्छे से आपको डील कराया जाएगा क्वेश्चन के साथ, ताकि आप एग्जामिनेशन में भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट आपका क्या होता है, आपको जल्दी से बताना है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, साइमन्स होगा, केजी होगा, मोल पर लीटर होगा, नन होगा, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे तरीके से इसका आंसर दीजिए। तो चलिए आंसर आपने दे दिया होगा अच्छे तरीके से, चलिए आपको आंसर यहाँ पे अब हम बताते हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन्स हो जाएगा, कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका साइमन्स होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो अगर आपका सही है तो आप खुद को 1 मार्क्स दे सकते हो और लास्ट में आप बता सकते हो कि आपका 16 में से कितना सही हुआ है, इससे आपका जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे एक तरीके से टेस्ट ही समझ लीजिए, आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में जब भी आएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं, तो अच्छे तरीके से इसको आप लोग समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रत्येक साल जो है क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है यूनिट से, जो कि रेट कॉन्स्टेंट का होता है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसको अच्छे तरीके से देखिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड पर मोल लीटर पर सेकेंड, या फिर नन, तो इसमें से तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आप जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर आपको यूनिट याद ना रहे
तो आप ये जनरल फॉर्मूला अगर याद रख लेते हो, मोल पर लीटर का पावर में यहाँ पे 1 माइनस एन और यहाँ पर सेकेंड, इतना अगर आप याद रख लेते हो तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू जो होता है वो ऑर्डर के लिए होता है, जिस ऑर्डर के लिए निकालना रहे तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और उस हिसाब से आपका जो है आंसर देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पूछा था तो इसलिए हम लोग 1 माइनस अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो है पर सेकेंड इसका आंसर देखने को मिल सकता है, ये चीज़ आपको पता यहाँ पे चल गया, जिसके कारण यहाँ पे इसका जो है आंसर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पे ये जो दो अलग अलग यूनिट दिए गए हैं वो यहाँ पे 0 ऑर्डर के हैं और सेकेंड ऑर्डर के हैं, तो आपको पहचानना है कि इनमें से ए और बी में कौन सा जो है 0 ऑर्डर का है और कौन सा सेकेंड ऑर्डर का है, तो ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, इससे आपका जो है रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। जनरल फॉर्मूला याद रखिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्मूला है और n के जगह पे आप 0, 1, 2, 3 कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, उस हिसाब से आपका जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, द गिवन एक्सप्रेशन इज विच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपका ये चीज़ दिया गया है, ये किस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन यहाँ पे है। ठीक है, आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सीएमसी, नन। तो आपने यहाँ पे दो तरीके के ये चीज़ पढ़ा होगा, लगभग क्लास 12th में लोग पढ़ते ही हैं, लैंगमुइर और फ्रेंडलिच जो है दो तरीके के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं, जिसमें से आपका जो है क्लास 12th के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्सप्रेशन का आप लोग बताइए कि कौन सा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए, तो आंसर की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये जो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन आपका दिया गया है वो बेसिकली आपका जो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया गया है, ये चीज़ आपका आंसर जो है हो जाएगा। तो इसका एक और फॉर्म होता है, वो भी चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है, तो एक बार आप एनसीईआरटी को जब अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो उसको आप वहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी जब मैं फिर से यहाँ पे रिवीजन वगैरह कराऊंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो रिवीजन तो फिर से हम लोग चैप्टर वाइज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, उस तरीके से कि हम लोग एग्जामिनेशन में अच्छा कर सके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारा जो है अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिया है, प्रीवियस की हम लोग भी बात किया करेंगे, इसमें बहुत सारे बोर्ड की हम लोग बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी बोर्ड से अगर आप हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनेशन एनसीईआरटी बेस्ड है तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, एक आपको ओर और मिनरल वाला, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें बॉक्साइट किसका ओर है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है बॉक्साइट का ओर है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस चीज़ का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए, तो इसका जो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, बॉक्साइट का बात किया गया है तो इसके कारण यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, और जिसने भी सही किया उसको मिलते हैं 1 मार्क्स। तो अच्छे तरीके से आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, बॉक्साइट जो है और होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में भी, कॉपर के दिए गए हैं, कॉपर पाइराइट, आयरन के भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है अच्छे तरीके से देख सकते हो जाके, और आपने पढ़ा है तो सारा चीज़ आपको पता ही होगा, आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि हर चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और डेली के बेसिस पे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आज ही सिर्फ इतना देखने को मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट जितने भी आएंगे आपको हर सेट में आपको जो है फुल लेंथ यहाँ पे जो है आपका बेसिकली 16 चैप्टर आपके क्लास 12th केमिस्ट्री में है, तो 16 चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज, पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, NS2 NP126 दिया गया है, NS2 दिया गया है, NP2 दिया गया, नन दिया गया। तो इसमें आपको बताना है कि पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या चीज़ है। देखिए भाई, एक क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं।
ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर इसका दीजिए। चलिए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर आपका जो फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NS2NP126 होता है। और बेसिकली जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप 13 से लेकर के कहाँ तक होते हैं, 13 से लेकर 18 तक होते हैं। और बेसिकली 13 और 14 तो हम लोग जो है क्लास 11th में पढ़ते हैं, और हमारा बेसिकली 15 टू 18 जो है हमारा क्लास 12th में पढ़ा जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो हैं ग्रुप 15 से लेकर आपका जो है ग्रुप 18 तक ही पूछा जाएगा। 11th की नहीं, 12th बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप 15 से लेकर 18 तक की बातें पूछी जा सकती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है ग्रुप 13 और 14 के भी आने चाहिए। तो आप इसी को थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का जो है NS2NP126 होता है। यहाँ पे आंसर में भी मैंने जो है कुछ इस तरीके से लगा दिया, देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको जो है पूछा गया है कि विच इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। बेसिकली डी एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन कहा जाता है, बेसिकली एफ को हम जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नॉट पूछा गया, नॉट इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा नहीं है। ऐसा नहीं है, देखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, किसी को भी टिक मार के आ गए, यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है स्कैंडियम होगा, टाइटेनियम होगा, वैनेडियम होगा या जिंक होगा, कौन सा आंसर होगा, इस चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा नहीं है इनमें से, वीडियो को पॉज कीजिए आंसर दीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं होते, तो उसमें आपका जो आ जाता है जिंक, कैडमियम और मरकरी, तीन आपको जो है ये एग्जामिनेशन में मतलब पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैंने इसी को बताया जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीन आपको याद रखने हैं, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करते लेकिन एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्यों नहीं होता है, अगर आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं मतलब, तो आप उस चीज़ को जो है डिफाइन कर सकते हो, कमेंट में आप लोग बता सकते हो, और जिनका भी सही है उनको मिलते हैं 1 मार्क्स, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो है लास्ट में बताना है कि आपका 16 में से कितने मार्क्स आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द कलर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया है एक, उसमें आपको उसका कलर बताना है कि कौन से कलर का ये जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, रेड दिए हैं, येल्लो, ब्लैक, ऑरेंज, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन से कलर का है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, ये चीज़ तो आपको पता चल ही गया हो कि वीडियो को पॉज करना है और आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, येल्लो, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और भी तरह के कॉम्प्लेक्सेस के भी थोड़ा बहुत कलर से कभी कभी आ जाते क्वेश्चन, खैर इतने ज़्यादा मतलब कलर से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन मैंने इस चीज़ को लिया ताकि आप अच्छे तरीके से कलर के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है कलर के बारे में क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा येल्लो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आईपीएससी नेम से, और एक क्वेश्चन तो आपको आईपीएससी नेम से जो है देखने को मिल ही जाएगा क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड में, और 11th में भी ये सारे क्वेश्चन जो है मिलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जिस चीज़ की बात करें उसी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आईपीएससी नेम यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो कंपाउंड दिया गया उसका आपके पास ऑप्शन भी है, ये अच्छी बात होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन भी होते हैं, आप वहाँ से जो है टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया, इसमें आपको बताना है कि इसका ऑप्शन भी दिया गया है आंसर कौन सा होगा। 1-bromopropane होगा, 2-bromobutane होगा, n प्रोपाइल ब्रोमाइड होगा और नन होगा, तो ये चीज़ आपको बताना है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कार्बन की काउंटिंग करेंगे, ये चीज़ तो आपको पता है, आंसर आप लोग पहले दे दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले काउंटिंग इधर से करेंगे, तो 1, 2, 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, और फर्स्ट नंबर में हमारा ब्रोमो है, इसलिए हमारा जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1-bromopropane हो जाएगा, 2-bromobutane इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नंबरिंग किया तो 1 में ही हमारा ब्रोमो आ गया, और यहाँ पे 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं, तो प्रोपेन इसका
जो है फर्स्ट आंसर आपका 1-bromo-propane हो जाएगा। और यहीं पे एक और आंसर इसका जो है देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे IUPAC नेम नहीं होगा बल्कि कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का अगर कॉमन नेम पूछा रहता तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड आपको इसको बोल सकते थे, क्योंकि ये जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन से यहाँ पे इसका नेमिंग आता है, इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो IUPAC नेम में हम लोग जो है हेलो एल्केन के रूप में लिखते हैं और कॉमन नेम में हमारा अल्काइल हैलाइड के रूप में लिखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अल्काइल में हमारा एन प्रोपाइल आ गया और हैलाइड में हमारा ब्रोमाइड आ गया, और IUPAC नेम में हम लोग हेलो एल्केन, तो हेलो में हमारा ब्रोमो आ गया, हेलो मतलब यहाँ पे ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो इस टाइप से, और एल्केन मतलब यहाँ पे जो देख सकते हैं प्रोपेन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कॉमन पूछता तो ऑप्शन सी हो जाता, और यहाँ पे IUPAC पूछा इसलिए फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर में भी मैंने लगा दिया है 1-bromo-propane, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन आपको दिया गया, इसको आप लोगों को कम्प्लीट करना है। बोला है कंप्लीट द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। CH3CHO aldehyde यहाँ पे दिया गया, उसको H2 के साथ किया गया और PD के साथ, तो यहाँ पे जो है क्या बनेगा ये चीज़ आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिडक्शन रिएक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पे दिया गया, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एल्डिहाइड और H2 PD के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास अल्कोहल मिलता हुआ दिखाई देता है। और कुछ इस तरीके से इसका जनरल हम लोग देखें तो RCHO, इसको जब हम लोग H2 के साथ, ये हमारा जनरल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से RCH2OH इसका मिलता हुआ दिखाई देता है, मतलब ये बेसिकली आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है, R के जगह आप कुछ भी बैठा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने CH3 बैठाया है, तो CH3CHO के कारण यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पे CH3OH भी ऑप्शन में था लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो है चेन यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे CH4, तो ये हमारा होगा नहीं, CH3COOH ये भी नहीं होगा, तो फाइनली हमारा जो है ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली एथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को समझ रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ भी अगर जिनका सही हो उसको मिलते हैं 1 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैं इस मॉडल सेट के माध्यम से आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और टाइप आपको देखने को मिला कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द गिवन रिएक्शन इज, यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिया गया है, पूछा गया है इसका नाम कि ये कौन सा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन है, कोलबेज रिएक्शन है, क्या है, ये चीज़ आप लोगों को बताना है। तो रिएक्शन यहाँ पे एक बार आप लोग जूम करके मैं दिखा देता हूँ, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, बेंजोइल क्लोराइड को जब H2PDBSO4 के साथ, इसको आप लोग जानते ही हो, इसको क्या कहा जाता है, लिनलार्स कैटलिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे बेंजोइल डिहाइड इसका बना हुआ है प्रोडक्ट, तो ओवरऑल इस रिएक्शन का जो है नाम क्या हो जाएगा, जब बेंजोइल क्लोराइड से हम लोग बेंजोइल डिहाइड बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हमारा क्या कहा जाता है, एक नेम रिएक्शन है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा रोजनमुंड रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी सही है उसको मिलते हैं 1 मार्क्स, और फिर आगे हम लोग और भी यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को जो है डेली थोड़ा सा आपको रिवाइज करके आना है, क्योंकि सेट यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो उसमें आपका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से प्राइमरी एमिन कौन सा है, प्राइमरी एमिन इज, यहाँ पर कौन सा आपको जो है प्राइमरी एमिन देखने को मिल रहा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो आपका प्राइमरी एमिन RNH2 होता है, जबकि ये जो आपका होता है वो 3 डिग्री एमिन होता है, मतलब जितने R यहाँ पे आपको देखने को मिले उतना आपको डिग्री लगा देना है। यहाँ पे एक R मिल रहा है तो ये बेसिकली 1 डिग्री होगी, यहाँ पे 3 R देखने को मिला डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पे 3 डिग्री,
इसमें दो आर मिला इसलिए 2 डिग्री और बेसिकली लास्ट में एमिन तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी एमिन हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे RNH2, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे आर के जगह पे CH3 लगा दे कुछ इस तरीके से CH3NH2, ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी अमीन है। कभी कभी इसको ओपन करके भी लिख दिया जा सकता है एन इस टाइप से लिख दिया जा सकता है, तो ये भी आपका जो है 1 डिग्री एमिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इज, एनिमल बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं, शुगर कहते हैं, नन कहते हैं, तो ये आपको आंसर में बताना है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कहता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एनिमल बॉडी में वो किस रूप में होता है या फिर वो कौन सा है, तो इसको जल्दी आप लोग राइट आंसर बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका जो है ग्लाइकोजन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फुल फॉर्म से रिलेटेड है कि LDP इज टर्म्ड एज, LDP हम लोग किसको कहते हैं या फिर उसका फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। इसका जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताइए। ऑप्शन आपका दिया गया है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लेस डेंस पॉलीथीन, लो डिजाइन पॉलीथीन, लीस्ट डेंसिटी पॉलीथीन। तो जो आपने पढ़ा है फुल फॉर्म वही चीज़ यहाँ पे बताना है। बेसिकली देखने से सभी यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसके हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये जो आपने पढ़ा होगा LDP HDPE भी एक होता है, जिसमें LDPE आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन और HDPE आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, और कुछ इस तरीके से 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज़ एन एंटा एसिड्स, इनमें से यहाँ पे जो दिखाया गया इनमें से आपका कौन सा जो है एंटा एसिड है। ऑप्शन आपका दिया गया सेल्डेन, जेंटेक, डाइमिटेप, नन, तो इनमें से आपको बताना है एंटा एसिड का नाम, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो ये लग रहा होगा कि ये पहली बार नाम सुने, लेकिन ये आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NCERT भी आपने पढ़ा होगा, अगर रीड किया होगा तो आपको अच्छे तरीके से इसका आंसर पता होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा जेंटेक, इसका एक और नाम है वो आपको कमेंट में बताना है खोज के, ठीक है। तो ये आज के 16 क्वेश्चन थे, तो किसके किसके जो है 16 में से 16 सही है वो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और जिनके नहीं सही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने यहाँ पे सीखा और आपको बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर जब कराएंगे तो आपको एक आइडिया लग ही जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जिनसे भी नहीं हुआ है चैप्टर की रिवाइज कीजिए, अगले सीरीज में आप अगले प्रैक्टिस सेट में और भी अच्छे तरीके से आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। और जिनके सही हैं उनके लिए ऑल दी बेस्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया, और मिलते हैं अपने अगले सेट के साथ। और अगर सेट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार भेज कर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इसी तरीके के प्रैक्टिस सेशन को पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।